नमस्कार। कहते हैं ना कि जब हौसला बुलंद हो तो आप हर जंग जीत सकते हैं, वही कर दिखाया है आज के दो नौजवानों ने, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि बेबी तू किसका बच्चा है। आज चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे अपने टॉप 5 खबरें जो आजकल चल रही है ट्रेंडिंग में। टॉप 5 खबर में आपके साथ अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता है। और ये पहला प्रश्न ये है कि कौन है ये बाबू, क्या चाहता है ये बाबू, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, थाना छाया क्या। इन सभी प्रश्नों के साथ अभिषेक कुमार आपके साथ। तो दोस्तों आप लोगों के सामने पेश करता हूं उस वीडियो को, जिस वीडियो ने पूरे देश भर में ये चर्चा फैला दी कि कौन है ये बाबू। तू किसका बच्चा? मेरी मम्मी पापा का बच्चा है। मम्मी पापा का बच्चा? हाँ। मेरा बच्चा, मेरा। ओके। देखिए दोस्तों, किस तरीके से इस लड़की ने बता दिया कि बाबू तू किसका बच्चा है, और ये बच्चा ये ना समझ ये बोल रहा है कि मैं तो अपने मम्मी पापा का बच्चा है, पर फिर वो लड़की बोलती है नहीं नहीं नहीं, तू मम्मी पापा का बच्चा नहीं बल्कि तू मेरा बच्चा है। बताइए दोस्तों कि यह बच्चा आखिर है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने देख चुका है कि लापरवाही का नतीजा कितना बुरा होता है, इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान, सबसे पहली महिला कालावती हम लोगों के बीच में आ रही हैं। तो जोरदार तालियां बिल्कुल मत बजाइएगा क्योंकि उन्हें तालियां की कोई सुनाई कान में उनकी आवाज जाती नहीं है। और दूसरे हमारे साथ जो आ रहे हैं वो है घुंघरू कालावती जी। नमस्कार। पहले तो आपको, और आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि बाबू किसका बच्चा है, कौन है ये बाबू, क्या देखिए तो बहुत मुश्किल सवाल है। बाबू किसका बच्चा है? इसका तो मम्मी पापा कहता है कि इसका बच्चा है, इसकी गर्लफ्रेंड कहता है इसका बच्चा है। हम क्या कहें, हमको तो कोई प्यार नहीं करता, हमको कोई प्यार नहीं करता, हमारा मदद भी हमसे प्यार नहीं करता। अब हम इस बात पे क्या कहेंगे, आप ही लोग बताइए ना। इसको तो बाबू को कहने वाला है, हमको तो वो भी नहीं कहता। घुंघरू जी स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में कि बाबू किसका बच्चा है। घुंघरू जी तो घुंघरू जी सवाल यही बना हुआ रहेगा कि आखिरकार बाबू किसका बच्चा है। मतलब तू यह पूछने के लिए बुलाया भंसे के हमको यहाँ, यह पूछने के लिए बुलाया तो तुझे भंसे के बाबू किसका बच्चा है। देखो फोन लगाए भी तो बता रहा है किसका बच्चा है, वो लगा लो फोन खटर कहीं का किसका बच्चा है। देखिए घुंघरू जी आप बहुत बड़े आदमी हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप गाली गलौज कीजिएगा, बिल्कुल नहीं, इस शो में बिल्कुल गाली गलौज नहीं होगा, कोई भंसड़ के आप नहीं बोल सकते हैं, ये बिल्कुल गाली गलौज नहीं होगा। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और मैं आपसे विनती करता हूं कि आप गाली का प्रयोग ना करें, ना भंसड़ी के कुछ भी नहीं बोलिएगा आप इस शो में। बस आप क्या करते हैं, दिमाग मेरा कितना गड़बड़ है देखेगा। घुंघरू जी से तुम बकचोदी करता है, लिखा दे अभी, लिखा दे क्या कर देंगे, बोल चुप, एकदम चुप हो जाओ। घुंघरू जी गोली नहीं निकाली। घुंघरू जी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, हमारा ये बाल बच्चा सब है, बाबू के लिए आप गोली उली चला दीजिएगा, आप अपना कीजिए। आप कालावती जी से आपका लग रहा है हम वो सेट हो गए हैं। आप घुंघरू जी एक बात पूछे, आपको बाबू है क्या? नहीं है तो हमको बना लीजिए ना बाबू, हम ही आपके बाबू बन जाएंगे। आपके लिए तो फ्री है, लेकिन एक बात तो मेरा बाबू तो बन जाएगा, लेकिन बहुत रिस्क के साथ खेलते हैं, एनी टाइम से हमको लेकर चलना पड़ता है, कहीं कुछ हो जाएगा तो समझते हैं कि 2 मिनट में ऐसे लगे ऐसे कर देंगे, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा खेला। घुंघरू जी हमको आपसे लव हो गया, आई लव यू घुंघरू जी, हमको तो शर्म भी आ रहा है, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम क्या कहें, आपके बूढ़ा मुंह में पान है, बहुत सुंदर लग रहा है। लाइव शो में लव वगैरह करना बिल्कुल वर्जित है कालावती जी, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और प्रार्थना करता हूँ इस तरह की गंदी हरकतें बिल्कुल ना करें हमारे साथ, मेरा भी मन उत्तेजित हो जाएगा। मैं आपसे बोले बट वही हाँ ठीक है, बट हाँ मैं कालावती बात करें डिस्टर्ब करता है, बीच में बिल्कुल करता है, बात वही बात बात करें, मौसम रोमांटिक है थोड़ा, ट्रेन आते हैं घूम के बाजार से पिज्जा उजा खा कर
अरे आते हैं 10 मिनट में, रिपोर्ट ला मैनेज करो तुम। मुफ्ती साहब आप सिद्धर खुआ से है, बाबू किसी का भी बच्चा है उसका बाबू तो है, हमारा घर बसने दीजिए, फिर उसके बाद आते हैं थोड़ा देर में डेट पे से तब बात करेंगे, ठीक है। क्लियर दोस्तों, बुलाए यहाँ पे किस टॉपिक पे बात करने के लिए, ये लोग अपने लव अफेयर अफेयर चलने लग गया, पर कोई नहीं, पूछते रहेगा भारत हर दिन हर समय हर घंटा आपके साथ कि कौन है ये बाबू। और जब तक इस प्रश्न का जवाब नहीं होगा ये शो कभी खत्म होने वाला नहीं है।